धनंजय सिंह, जिनके नाम की जितनी भी चर्चा इस वक्त की जाए कम है। वो धनंजय सिंह जिनके बारे में जितने भी किस्से, जितनी भी कहानियां बताई जाए वो कम है। वो धनंजय सिंह जिन पर कभी 43 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन मौजूदा समय में उन पर सिर्फ 10 मुकदमे दर्ज हैं। इसी बीच एक ऐसा किस्सा जिसने 2013 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2024 की नहीं 2013 की हैं, जब धनंजय सिंह की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह हुआ करती थी। दरअसल ये उस मुकदमे की तस्वीर है जब दिल्ली के चाणक्यपुरी में धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी जागृति सिंह के आवास पर नौकरानी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी, जिसमें धनंजय सिंह पर सीसीटीवी के डीवीआर को हटाने और सूचना नहीं देने का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी जागृति से पूछताछ भी की थी। अगर मौजूदा समय इस केस की बात कर ली जाए तो भले ही आज धनंजय सिंह और जागृति सिंह एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मौजूदा समय में इस मुकदमे में 6 जून 2015 को चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और केस गवाही में चल रहा है। फैसला आना फिलहाल अभी बाकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली रहे धनंजय सिंह पर दर्ज केस की लंबी फेहरिस्त रही है, जो कम होते होते अब 10 तक पहुंच चुकी है। लेकिन साल 2020 में जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में अपहरण और रंगदारी वसूलने का पहला मुकदमा है जिसमें धनंजय सिंह को सजा मिलने तक का अंजाम आया है। धनंजय सिंह पर मुकदमे दर्ज तो कई हुए, लेकिन 2 दर्जन मुकदमों में धनंजय सिंह को पुलिस ने बरी किया। 3 मुकदमे सरकार ने वापस ले लिए। कुछ मुकदमों में पुलिस ने ही धनंजय सिंह को बरी कर दिया और ये लिस्ट घटते घटते 10 पर आ गई। इस लिस्ट में एक मुकदमे में धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा अभी हो रही हो, लेकिन 2013 में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति सिंह का ये केस खासा चर्चाओं में था, जब उनकी नौकरानी अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया था। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे जाकर धनंजय सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।